हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी। सबसे पहले करेले को साफ पानी से धो के हल्का हल्का छीलेंगे। अब करेलों में कट लगा के बीज के सारे बीज निकाल देंगे। करेलों को नमक लगा के पूरी रात के लिए छोड़ दें, जिससे कि करेले का कड़वापन निकल जाए और नमक भी अब्सॉर्ब हो जाए करेलों में। सब्ज़ी बनाना शुरू करने से पहले करेलों को एक बार फिर से अच्छी तरह धोएं। तेल को अच्छे से गर्म होने पे कटी हुई प्याज डालें। और प्याज को भूरा रंग होने तक अच्छे से भूनने दें। सब्जी को अचारी स्वाद देने के लिए उसमें सौंफ जरूर डालें। एक चम्मच हल्दी पाउडर डालें। एक चम्मच लाल मिर्च। एक चम्मच नमक। एक चम्मच धनिया पाउडर। एक चम्मच अमचूर डालें और अच्छे से मिलाएं। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है, इसको अलग से प्लेट में निकालें। अब एक एक करके सभी करेलों में इस मसाले को बराबर मात्रा में भरें। फिर से कढ़ाई में तेल डालें, एक एक करके सभी करेलों को पकने के लिए वापस कढ़ाई में डालें। अच्छे से पकने के लिए करेलों को ढक दें। बीच बीच में करेलों को चलाते रहें ताकि करेला जले ना। करेलों को चलाने के बाद दोबारा ढक दें। करेले पके हैं कि नहीं वो चेक करें। स्वाद अनुसार सब्जी में नमक डालें, क्योंकि करेलों में नमक पहले ही अब्सॉर्ब हो चुका है। और फिर से कढ़ाई को ढक दें। आपकी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, और बचे हुए तेल को वेस्ट ना करें, क्योंकि ये अगली सब्जी में भी काम आ सकता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।